तो ये है Redmi 12 5G. 5G है लेकिन फिर भी इसके अंदर 5G वर्क नहीं कर रहा, ऐसा मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर बोला था, जो कि मैंने 3 दिन पहले अपलोड की थी वीडियो. अभी फाइनली इसके अंदर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो के अंदर यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले. पिछले 3 दिन मैं इसी फोन के ऊपर लगा रहा कि आखिरकार इसके अंदर 5G क्यों नहीं वर्क कर रहा है. सेटिंग्स वगैरह चेक कर रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, फोन की नेटवर्क सेटिंग के अंदर गया, वहां पर देखा, यहां पर 5G नेटवर्क तो शो कर रहा है बट 5G चल नहीं रहा. यहां पर देखेंगे प्रेफर 5G दिखा रहा है, ठीक है, 5G के ऊपर सिलेक्टेड भी है तो इसको नेटवर्क मिल रहा है 5G का, तभी तो ये सिलेक्टेड किया इसने, लेकिन फिर भी 5G नहीं वर्क कर रहा है. अब ये क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? अब मैं थोड़ा सा दुखी टाइप का हो गया था, क्योंकि मुझे 5G इसके अंदर यूज करना था और 5G ही इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा था. फिर मैं गया माई जियो ऐप के अंदर, वहां पर रिचार्ज वगैरह चेक किया, प्रॉपर सब कुछ था. एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको 5G यूज करना है तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन के अंदर आपके जियो नंबर के ऊपर रिचार्ज जो है वो मिनिमम होना चाहिए 239 यानी कि 239 रुपए का. इससे नीचे वाला अगर आप करेंगे तो उसके अंदर 5G आपको नहीं मिलेगा. इससे ऊपर वाले करेंगे तो आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा ट्रायल वर्जन. तो याद रखना अगर आपको 5G यूज करना है तो 239 से नीचे का रिचार्ज नहीं कराना. अब यहां पर आता हूं, मुझे यहां पर चेक करना है कि हमारा डिवाइस जो है वो 5G है या फिर नहीं. तो मैं यहां पर गया, यहां पर देखिए ये लोग पहले से भैया बधाइयां देने लगे कि भाई आपका फोन जो है वो 5G रेडी है, आप यहाँ पर 5G यूज कर सकते हैं. और नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहे हैं कि आपका स्मार्टफोन जो है वो लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेट होना चाहिए. अगर नहीं है तो आपको सेटिंग के अंदर जाना है, अबाउट के अंदर जाना है, सॉफ्टवेयर के अंदर जाना और यहाँ पर जो आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है. मैंने यहाँ पर ये भी करने की कोशिश की, मैं गया 2-3 दिन से लगातार चेक कर रहा था कि भैया अब आएगा सॉफ्टवेयर अपडेट, अब आएगा सॉफ्टवेयर अपडेट, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं आया क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अभी चल रहा है. अब मैंने यहाँ पर YouTube के ऊपर सर्च करना चालू किया, YouTube के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी तो बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट सिम डालते ही वर्क कर रहा था 5G, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही सेम प्रॉब्लम आ रही थी. अब एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या थी वो पता लगाने की मैंने कोशिश की, फाइनली मुझे मिल गई कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर 7 5G बैंड्स हैं. बहुत सारे ऐसे फोन आप लोगों ने देखे होंगे जिनके अंदर 5G बैंड ज्यादा होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, होते हैं, तो उन फोन के अंदर डायरेक्ट सिम डालते ही 5G वर्क करने लगता है. और इस फोन के अंदर 7 5G बैंड है तो इस फोन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से बैंड जो है वो कम है. और जियो है अभी ट्रायल वर्जन के ऊपर, जियो है अभी ट्रायल वर्जन के ऊपर तो वो भी अभी लिमिटेड बैंड ही यूज कर रहा है, सारे बैंड जो है उसने एक्टिवेट नहीं किए हुए हैं. इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस फोन के अंदर जो बैंड नहीं है वही बैंड एक्चुअल में जियो का भी वर्क कर रहा है, क्योंकि जियो अभी ट्रायल वर्जन के ऊपर है और जिन फोन के अंदर वो बैंड है उन फोन के अंदर डायरेक्ट सिम डालते ही वर्क करने लगता है. अब जान लेते हैं इस फोन के अंदर 5G एक्टिवेट कैसे करेंगे. तो आपको डरने की बात नहीं है, फोन लीजिए, जियो का सिम डालिए और वेट कीजिए, 2-3 दिन वेट कीजिए, 2-3 दिन के बाद ऑटोमेटिक चलने लगेगा इस फोन के अंदर 5G. मेरे साथ भी सेम यही हुआ है, ये फोन जो है ये 5G को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है बस. अब जब आप इसके अंदर डाल के रखेंगे सिम तो जियो देखेगा कि आपका सिम कार्ड जो है वो 5G डिवाइस के अंदर है तो वो वहां से जो है 5G को एक्टिवेट कर देते हैं. और अगर आपको उसी दिन चलाना है जिस दिन आपने फोन लिया, आपको तुरंत भाई चाहिए कि 5G मैं इसके अंदर यूज करूं, तो एक ट्रिक है आपको करना क्या है, किसी का भी फोन है जिसके अंदर डालते ही 5G वर्क करने लगा उसके अंदर आपको अपना सिम डालना है और 5G उसके अंदर वर्क करने लगेगा, ट्रू 5G लेकर के आ जाएगा. उसके बाद आपको अपने इस फोन के अंदर डालना है, इसके अंदर भी तुरंत के तुरंत 5G चलने लगेगा. तो ये थी कहानी Redmi 12 और 5G की. तो अगर आपको भी 5G यूज करना है और आप इस फोन को लेने के बारे में सोच रहे थे तो आप बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपको 5G यूज करना है तब. अगर आपको कुछ और भी यूज करना है तो उसके लिए रिव्यू वीडियो देख लेना, क्योंकि इस फोन के अंदर काफी सारी कमियां हैं. मैं पिछले 2-3-4 दिन से यूज कर रहा हूं तो मैंने काफी सारी चीजें इसके अंदर देखी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें एक प्रॉब्लम लगती हैं. मैं एक रिव्यू वीडियो लेकर के आऊंगा. ये एक बजट 5G स्मार्टफोन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए की रेंज में आता है, इसलिए यहाँ पर 5G तो काफी अच्छा खासा दिया गया है लेकिन और काफी सारी चीजों में जो है कॉस्ट कटिंग की गई है. तो रिव्यू वीडियो देखना मत भूलना, थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत जल्द वीडियो आने वाली है. सो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को ना सब्सक्राइब. मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी.